ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत के हाथों अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। इंडिया ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में गाबा के मैदान पर कंगारू टीम को पहली बार धूल चटाकर इतिहास रच दिया था। आखिरी टेस्ट में ज्यादातर खिलाड़ियों के चोटिल होने के चलते भारतीय टीम के कई युवा खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद टीम जीत दर्ज करने में सफल रही। चूंकि आईपीएल के स्थगित होने के बाद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के मुकाबले को लेकर बातें हो रही है। इसी बीच भारत की दूसरी टीम के हाथों ऑस्ट्रेलिया को मिली हार पर इंग्लैंड ले रहा है चुटकी। जी हां, आईपीएल के स्थगित होने के बाद अब ऐसी खबरें सामने आने लगी है जो वाकई में हर किसी को हैरान कर रही है। भारत को लेकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी घमासान देखने को मिल रहा है। कैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मजाक बना रहा है और इस बीच भारत का भी नाम लिया जा रहा है। चूंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी में घुसकर धूल चटाई थी, या यूं कहें तो ऑस्ट्रेलिया को उसका घमंड चकनाचूर कर दिया था। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से इंग्लैंड ने बनाया ऑस्ट्रेलिया का मजाक और भारत के बारे में भी दिया बड़ा बयान। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उस बात का घमंड था कि गाबा के मैदान पर वो कभी हारा ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को कई सारी बातों का घमंड था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया और एक नया इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया कोसी के घर में घुसकर हराया था। वैसे ये इतिहास रचने वाली जीत थी जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, इसीलिए तो काफी टाइम बाद भी इसके ऊपर चर्चाएं हो रही है। अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का चुटकी ले रहा है। जी हाँ, भारत की दूसरी टीम के हाथों ऑस्ट्रेलिया को मिली हार पर माइकल वॉन ने चुटकी ली है और उसके बाद जस्टिन लैंगर जो कोच है उन्होंने भी अपना बयान दिया है भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर, जो वाकई में हर किसी को हैरान कर रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि माइकल वॉन ने भारत की दूसरी टीम के हाथों ऑस्ट्रेलिया को मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की चुटकी लेते हुए कहा, भारत की तीसरी 11 टीम से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। वॉन के इस कमेंट का हेड कोच जस्टिन लैंगर ने बेहद ही बड़ा जवाब दिया है। क्रिकेट शो पर बात करते हुए माइकल वॉन, जस्टिन लैंगर और मार्क वॉ के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक सीरीज के बारे में बात हो रही थी, जिस पर इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन ने चुटकी लेते हुए कहा, भारत की तीसरी टीम से हारने में कोई शर्म की बात तो है ही नहीं, जिस पर लैंगर और मार्क वॉ हंस पड़े। वॉन के इस कमेंट का जवाब देते हुए जस्टिन लैंगर ने कहा, मुझे पता है कि हम सब मजाक कर रहे हैं। वॉन भारत की दूसरी और तीसरी टीम को लेकर मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि डेड बिलियन वाले देश में जहां क्रिकेट को बेहद प्यार किया जाता है, वहां पर अगर आप पहले 11 खिलाड़ी चुनेंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल टीम बन जाएगी। लैंगर ने भारतीय युवा खिलाड़ी की तारीफ करने पर कहा, वहाँ पर काफी शानदार खिलाड़ी मौजूद है, आपको मौका मिले तो उसको लपक लेना चाहिए। हमने कई युवा टैलेंट देखा है, वो बेहद ही जबरदस्त थे, दुर्भाग्यपूर्ण हम उनके खिलाफ खेल रहे थे। गाबा में मिली ऐतिहासिक जीत में मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जबकि शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में लाजवाब इनिंग खेली थी। तो खैर, भारत के आज इतनी कैपेसिटी तो है कि 2 या 3 टीमें बनाकर पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, ये कहना है माइकल वॉन का। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर तारीफ करते हुए माइकल वॉन अक्सर वैसे तो भारत की खिंचाई करते हैं, लेकिन अब भारत का लगातार अच्छा प्रदर्शन देख माइकल वॉन तारीफ करने पर मजबूर हुए। माइकल वॉन ने कहा, भारत आज चाहे तो 2 या 3 टीमें बनाकर भी पूरी क्रिकेट की दुनिया में राज कर सकता है। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ कमाल धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।